पटना जिले के नौबतपुर में पुल उद्घाटन होने से पहले घपला का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने किया जांच की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है बिहटा बिहार से वशिष्ठ कुमार की रिपोर्ट। पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड अंतर्गत बांध पर शेखपुरा करदाहा पथ पर नया पुल बना है और जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री इस पुल का आज उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इस पथ का निर्माण किस विभाग से और कितनी राशि से हुआ, जिसका कोई बोर्ड भी ठेकेदार द्वारा नहीं लगाया गया है। इस पुल से कई गांव के ग्रामीणों का आवागमन में सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा निर्माण कराया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा संपर्क पथ से ग्रामीणों को होने वाली सुविधा की जगह सिर्फ अपना लाभ देखा। पुल के दोनों ओर सड़कों पर जर्जर अवस्था में दिख रही है, जिसे ठेकेदार द्वारा निर्माण तो कराया गया, लेकिन सारे गिट्टी एक जगह हो गए और सड़क बदहाल हो गई है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। आपके करदाहा पुल का कल उद्घाटन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके पहले अप्रोच रोड धस गया है दोनों तरफ, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कहना यही है सर कि सबसे पहले कि आके अपना विभाग देखे, ये सब ऐसी खाली झूठो मूठो करके चले गए। जनता तबाह है और सब मिली भगत से पैसा निकाल लिया, निकाल के का किया, आज जनता के कोई समझ में नहीं किया। दुख क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, देहादी ठेकेदार आप सर के मिली भगत है, ये सब सरकार के मिली भगत है। पुल से जाने में कितना दूरी है आपके गाँव का? हमारा गांव तो इसी जगह है, लगले बौरना एक किलोमीटर है, एक किलोमीटर है और एने है एक किलोमीटर, तीन किलोमीटर सब लमसम एक किलोमीटर है, पाँच किलोमीटर तक ले है। एक रोड का क्या स्थिति है आपके गांव की? बहुत खराब है, बहुत नीचे जाके देखिए सर, मैंने पैदल भी नहीं जा सकते हैं, पैदल भी नहीं जाएगा आदमी, गिर गया है, जुड़ा हुआ है, छक्कन बीघा है, सेलारपुर है, मलाई कंदा है, करदहा है, खैरा है, बवन खैरा है, नूतन चक है, ये सब जो है कि स्कूल से जुड़े हुए हैं। यानी आने जाने का मात्र एक रास्ता आपका यही है? यही है बस, और भी रास्ता मुख्य रास्ता यही है, यही निकसार है। अगुरी गया तो गया गया, उस सबके कोई आना देना मने इतना टोटल जो है आपका विभाग और ठेकेदार का मिली भगत का ही काम है और पैसा निकाल के खा गया है। और नीतीश बाबू कल जा रहे उद्घाटन कर रहे, यह विकास नहीं है, यह विनाश कर रहे हैं, लीपा पोती काम कर रहे हैं नीतीश बाबू। उद्घाटन जिस समय होगा उस समय आप लोग यहाँ रहेंगे क्या? जब रहेंगे, ऑनलाइन उद्घाटन होना है तो ऑनलाइन रहेगा, हम लोग क्या पता रहेगा, तो यही तो अफसर के खाने का एगो जगह है ना, ऑनलाइन भी रहेगा, रूम में पैसा रिमंड हो जाता है। यहाँ आवे स्पोर्ट पर तब ना, स्पोर्ट पर आएगा तब ना, रोगी यहाँ है आ सुई दे देगा, वहाँ से ठीक हो जाएगा, कम से कम रोगी रहेगा वहाँ ना डॉक्टर देखेगा, समस्या का समाधान करे है घर ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।